नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ आपका, आपके साथ है एमएस परदेशी। जी हाँ, आज हम बनमनखी अंतर्गत पंचायत धाड़ा चकला भुनाई में हैं, जहाँ पे जल जीवन हरियाली के तहत एक पार्क या पोखर बनी हुई है। आज डीडीसी साहब फिर यहाँ आए हैं पूर्णिया से इंस्पेक्शन करने के लिए कि क्या यहाँ कमी रह गई है और क्या यहाँ देना है। उनके लिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से महकमे के सारे पदाधिकारीगण यहाँ पहुँचे हुए हैं और सारे लोग इंस्पेक्शन कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा आदमी को मिल सके और आदमी यहाँ से लाभ उठा सके। आप सभी को पता है कि बनमनखी अंतर्गत पंचायत धाड़ा चकला भुनाई में बीते दिनों पूर्णिया जिला के डीएम साहब श्री राहुल कुमार जी पार्क का उद्घाटन करने पहुँचे थे और उद्घाटन भी किए, जिसमें डीएम साहब ने कहे थे बहुत ही जल्द ये पार्क को लोग दूर दूर तक जानेंगे और यहाँ लोग आएंगे भी। शायद उसी का परिणाम है कि पूर्णिया जिला के डीडीसी श्री मनोज कुमार और एएसडीएम बालवीर दास और बनमनखी के बीडीओ साहब आज इस पोखर यानी पार्क का औचक निरीक्षण कर पदाधिकारीगण को निर्देश दिए कि साफ रखना चाहिए, पानी के लिए बोरिंग करने तथा इसके चारों साइड बाउंड्री करने की बात भी कहे, जबकि पंचायत में कचरा रखने हेतु एक पक्की गड्ढा बनाने की भी निर्देश देते हुए ये भी कहे कि पार्क के देख रेख के लिए एक समिति बनाया जाए और इस समिति का अध्यक्ष यहाँ की मुखिया होंगी और यहाँ के जो अफसर हैं वो भी रहेंगे और ग्रामीण भी उसमें शामिल रहेंगे, जबकि इस पार्क के लिए जो आमदनी का स्रोत होगा वो स्कूल के जरिए बताया गया कि यहाँ पे स्कूल वाले विजिट करेंगे आकर के, उसी से कुछ यहाँ के रखरखाव का खर्च वगैरह आ जाएगा। आपको बता दें कि ये पार्क देखने योग्य है और बनमनखी में सबसे बेहतरीन पार्क जो जल जीवन हरियाली के तहत बनी है वो धरारा चकला भुनाई में बनी हुई है। आइए देखते हैं ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट। ओएम वाले 60 यूनिट में है ना, कौन पंचायत मकना है, धरारा चकला धरारा चकला पुणे, यहाँ लॉन्च करा दो। सॉलिड लुक बेस्ट मैनेजमेंट का बेटियों के लिए सर एनओसी जो सीओ सर दिए थे सर, वो डाउन जमीन 10 फीट का था। अच्छा ना, तो बीपीओ के लिए आपको आप जमीन चाहिए, गड्ढे में कूड़ा जमा करोगे जी? स्ट्रक्चर बनना है सर वहाँ पे। बीपीओ क्या सर? बीपीओ सर, डब्ल्यूपीओ सर, डब्ल्यूपीओ वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट सर। उसमें क्या गड्ढे बना है? नहीं सर, वो हम लोग को सर क्या इशू है सर, थोड़ा सा डीप है सर। कितना डीप है? लेकिन रोड के बगल जगह देखे हो ना जी सर, गड्ढा वहाँ पर एक नया जगह हम लोग देखे हैं सर। इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना है सर हम लोग को, पूरा ये बन के रेडी हो गया सर, बना दिया। कितना दूर है ये सर? 4 नंबर वार्ड में सर। कितना दूर होगा लगभग सर? ये हो के घूर के जाना है, इसको तैयार कर दीजिए। तैयार कर दीजिए एस्टीमेट सर, समझ गया है? वही चीज़ घंटा में करना सीख। कौन है पीआरएस? जी सर, इसका चुना उना रस्सी से लेके चलो, हम लोग सर लोग जाएंगे, हम लोग लेआउट करके आ जाएंगे। किसका? हाँ, इसका लेआउट करके ही निकलेंगे सर। जो जमीन बता रहे हैं वहाँ जल जाते हैं हम लोग, एक रूप लेके खींच देते सर, शुरू कर देते काम। चला लेआउट करने के लिए कहता है इसको छोड़ी नहीं, लेआउट करेगा अभी, चलिए ना रखोगे सर? जल जीवन हरियाली के तहत ये पार्क बनी हुई है धाड़ा चकला भुनाई में, सर क्या क्या सौगात सर आपके थ्रू और यहाँ मिलने जा रही है? इसके मेंटेनेंस की सारी व्यवस्था हम लोग करने के लिए यहाँ पर विजिट किए, साफ सफाई हो, यहाँ पर शैक्षणिक परिवहन हो, यहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी हो, जो विभिन्न प्रकार के मेडिसिनल प्लांट वगैरह जो लगे हुए हैं उसके बारे में यहाँ के बच्चों की जानकारी के लिए एक समिति हम लोग बनवा रहे हैं ताकि इसका अधिक से अधिक लाभ यहाँ के नागरिकों को मिल सके। जी सर, धन्यवाद सर।